अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है एजुकेशन इन फोकस। यहाँ तक होस्ट नवीद नाज़िम जतोई। नाज़रीन जी, तक खबर है तो असा पे प्रोग्राम में तालीम के हवाले से मुख्तलिफ इशूज के डिस्कस क्या मुख्तलिफ इशूज डिस्कस क्या जो प्रॉब्लम्स वक्त तीन असा दिखा तो स्टेक होल्डर्स प्रॉब्लम्स जैमें टीचर्स हुआ, टीचर्स एसोसिएशन्स हुई, उन्होंने गुड असा दिखो तो गवर्नमेंट ऑफिशल्स मुख्तलिफ जो सर्वेस थे उन्होंने रेफरेंसेस दिना। सिंध टीवी पैं तौर ये कोशिश कई है, काविश है तो जो तालीम के हवाले से असि सिंध में एडो मसलो थो है उन अडो जो सब मूँ स्टेक होल्डर्स तमूँ रखूँ फैसलो तहाँ भी किया तो हवाले से काथे तमाम घड़ी गलतियों जैसे सब गर्जी कलेक्टिवली ठीक कर सकन था। छो तो तालीम सही न होंगी तो असि है कौम नेशन जो है उनको बका तमाम मुश्किल थी। अचो तो गुफ्तगु था क्यों अज असें स्टेक में पैं स्टूडेंट्स जो वॉइस हो उन्होंने शामिल न किया वक्त ताई। अज असा कोशिश कई है तो जो तालिब इल्म सजे एजुकेशन जो एक वो तमाम अहम जोज आन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आन उन्होंने पुछूँ था तो वो सजे तालीमी जो निज़ाम है उनमें जाते प्रॉब्लम्स थन था वो उनके क्या सा दिसन कंजो कसूर समझन था कंखे दोष दियन था वो उन्होंने नज़र में इन तालीम की बेहतरी के लिए किए कम कर सकते तो इन सभी इशूज से गुफ्तगू था क्यों। असा पैं स्टूडियो में दावत दिनी है शाहिद हुसैन मुगैरी साहब के पा मैथ्स कम्युनिकेशन जहाँ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट हैं उन्होंने गुड असा बया मेहमान परवेज़ लाड़ साहब पा इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ स्टूडेंट हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में। इन बिन्हीं दोस्तों से गलूँ था पुछूँ था तो इन सजे प्रॉब्लम के सजे सिनेरियो के किए था दिसन अचो तो गुफ्तगू की आवाज़ था क्यों। शायद तुम वही मेहरबानी तुम असो प्रोग्राम में आयो मां स्टार्ट तो क्या पुछण तो चाहें तो ही जो तालीम जहाँ तुम दिसो सिंध के हवाले से खास तौर पर मसला उन सजा प्रॉब्लम्स तक नजर अचन था उनमें किथे तुम समझो था तो जो है स्टूडेंट जो किरदार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वही मेहरबानी नवीद भा। जो सो एक गाल मू के जिन मेल शौर हों तालीम के हवाले से जो मू के शौर इन तो मू सब का पैर पे घर में जो सो शयन की कमी दिस वो महसूस को कोशिश को पूरी करण जो लाइ जैसे इंसान वट शौर ही न हों तो जो सो वो अगते को उनको किरदार न हों न वो पाँ घर के लिए कम कर न पाँच सोसाइटी के लिए कम कर न ही जो सो बेटरमेंट फॉर कंट्री एंड नेशन तो जो सो इन वट जो असाजे रूट लेवल से प्राइमरी का वी जो सो मुझे ख्याल में मथे लेवल से सेकेंडरी एजुकेशन तीन जो सो शागिर्दन उन्होंने सो को भी शौर को इन लाइ जो उत्ते प्रॉपर उन्होंने गाइडलाइन नी दिनी वे बिया उनको सो क्लासिस वगैरह ना हलन ए टी गाल जो सो उत घोसड़ू उस्ताद जो ड्यूटी प्रॉपर तरीके से ना कन या वरी उ इलाका जिते जिते स्कूल्स बंद लगा पाया बैकवर्ड एरियाज आन सिटी जो सो छी कर एज़ कंपेयर टू सिटी विलेज विलेज में जो सो जो गोठानी लाइफ है उते स्कूल बंद लगा पाया जो सो मोर देन 6000 तो जी नेचुरल डिजास्टर में या फ्लड इफेक्टेड एरियाज जो स्कूल्स प्राइमरी को वी सेकेंडरी लेवल तीन वह डैमेज थी चुका है उन्होंने लिए को प्रॉपर गवर्नमेंट को माना जो सो उन्होंने हिकमत अमली न जोड़ी है मल तीन तो उन्होंने जै स्कूल्स वगैरह ना हलन तो वो बार सो तालीम कार्ड हासिल करना वो शौर या वो जो सो पे हकन की परवेज ही गाल कई है शायद जो एजुकेशन जो शौर जो एक ताल्लुक है एजुकेशन से पर माँ के यो बुधा तो एजुकेशन असों जो लास्ट 10 साल उनमें तमाम घड़ो एजुकेशन जो मैार जो हेठ आया खास तौर पर सिंध के हवाले से तो 10 साल में अड़ी कड़ी गाल थे जो मान में शौर न हो पैर के मान शौर हो अड़ो तुम समझो तो शौर जो मसलो है या बो भी तक कोई इशू नजर तो अचे। सर मसलो यह तो शौर जो तो मसला आन पर जो मुझे भाई चो तो प्राइमरी रूट लेवल जो असो है उन को ही खराबी शुरू थी वही उन अलावा इन वही मसला ये तो गवर्नमेंट उन का नजरसानी नी कर उन अलावा उन न ही उन का अड़ा प्रॉपर जी यूनिवर्सिटी लेवल से जो स्टूडेंट पहुंचा उन्होंने लिए का भी एक तो फंड्स जारी न क्या जी उन्होंने वर्कशॉप कराया मुख्तलिफ़ वर्कशॉप दियन जी बिन बार दुनिया में जहाँ बिन कंट्रीज में यूरोपीय यूनियन में यूरोपीय कंट्रीज में उन्होंने वह फंड्स दिना था वन जो वो एक्टिविटीज़ कर सकन स्टूडेंट्स पर अस मसलो यो असा तुम दिस तो ला इन ईयर इन बजट में असि गवर्नमेंट बजट रो 10% घट कई है वधाने के बजाय घट कई है
डेवलपमेंट में घट कई 10% एतरी असि एजुकेशन तो फाल नी है जो 10% उन्हें घट गई उनके अलावा जो असा में जो स्ट्रक्चर में यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल से उत अचे तो सियासी जी माना धुरियों काफ़ी उन्होंने जो एक विंग्स ठहल जी कल भी पैं क्लास बंद करा सकन था उत्ते गुंडागर्दी इन में धोस धमकी के हवाले से यो सेमेस्ट्री तबाह कर सकता तुम दिठो हों तो सिंध यूनिवर्सिटी में या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में तुम काफ़ी इतने अगर खून थींदा तो वो ब महीना बंद थी वही यूनिवर्सिटी या तुम दिसो तो इन में सिंध यूनिवर्सिटी में तो उत्ते 3 महीना बंद हुई यूनिवर्सिटी इन जो मकसद यो है तुम उन प्रॉपर ध्यान ना है न ही गवर्नमेंट उन विंग्स के रोके सके थी जे इन इन पुठियाँ वे कम कन था। अच्छा शायद मां के ता बुदायो ही जका विंग्स की गाल गई तमाम बेहतर गाल गई परवेज पर जका विंग्स हैं वो तो उस बुनियादी तौर ते सब शागिर्द हैं ना वो तो माना ता समझो ता शागिर्द ही सिलसिला है पेंजो शागिर्द किरदार अदा ना था कन सही बिल्कुल मां जको सदा परवेज की गाल त मुतफिक आ बहरहाल इया त सियासत का बुरी गाल ना है सियासत दुनिया जे जो सो हर कुंड ते हर जो सो एजुकेशन जे इदारन में जो सो इवन पब्लिक जो सो उनन में ऑफिसर में जे भी उनन जा आहन डिपार्टमेंट उनन में भी जो सो ये आहे सियासत करण का बुरी गाल ना है पर सियासत जे उनके जो सो नजरिए के गलत जो सो इस्तेमाल करण इन में जी मिसाल अदा गाल कई तो भत्ताखोरी या जो सो उन्होंने टॉर्चर कर स्टूडेंट्स के या यूनिवर्सिटी वगैरह बंद कराण टे ढीं उन्होंने जो सो तालीम के मतों उन बुरा असरा पवन था या उन यूनिवर्सिटी जो सो इमेज जो असो सो फॉरेन कंट्रीज में असो इमेज जो सो गलत साबित थे तो उ इन पॉलिटिशन जो लीडर हैं उन्होंने सवाल समझी नहीं बल्कि इनफैक्ट बेहर उन्हें तो क्या स्टूडेंट विंग्स की गाल खास तौर पर जैं वट असूँ था तो कोई जोर जबरदस्ती भी है उन्होंने वट मान के टॉर्चर भी कन था स्टूडेंट्स के बो भी उन्होंने मीन्स यूज कन था तो वो जी सो असूँ था वो करणवारा जो वो अस स्टूडेंट्स ही मोस्टली तालीमी इदारन जहाँ शागिर्द ही कन था कें भी पॉलिटिकल बैनर के अंडर कन था पर शागिर्द ही कन था तुम समझो था तो शागिर्दन जो बुनियादी तौर पर पा कुछ सीरियसनेस घट है या तुम समझो था तो बेन जरिए बेन उनके करे चार्ज वधी कोना है उनमें यो जो सो सियासी उनके जो सो सपोर्ट थी उको सो तालीम जे उनके हासिल करने लाइ उन घट उन कम कन था असल में सियासत जो कम यो हों जो सो शागिर्दन जी भी मसला हूँ उनके हल कर उनमें जो सो एडमिशन जो मामला होजन या इवन डिग्री वठण जो मामलो हो जे, या प्रोग्राम अरेंज कराने के लिए या लाइब्रेरी में जी बुक्स वगैरह उन्होंने कमी है या यूनिवर्सिटी में जी फैसिलिटियन उन फैसिलिटियन के बारे में जो सो उन शागिर्दन तंजीम में जो आवाज़ उथारे सन हकन की गाल कर पर इतने जो सो सियासत के गलत इस्तेमाल किया तो वे पाँच जो सो एक मखसूस टारगेट रखे उनके इस्तेमाल कन था पाँचे पाँचे जो सो इंट्रस्ट के बुनियाद से। अच्छा मां एकड़ो बियो सवाल पूछना चाहिंदो पर हन खां पहरो मां चाहां तो एकड़ो मुख्तसर ब्रेक वठा मुझे सवाल यो है तां बिन दोस्तन खां मां पूछना चाहिंदम त शागिर्दन जी पहेंजी सीरियसनेस तां हाने घणी तरह सो तां के लगे तो शागिर्द पहेंजी तालीम जवाले सा वधिक सीरियस आहन या हु फेसबुक ते ट्विटर ते या बिन शहर में उन जी जका एक्टिविटीज इतरी वधी होई या तो तालीम में घट जका है पहेंजी तजो ते देन था या तां के लगो लगे तो हाने हनन फेसबुक ट्विटर के यूज करी शागिर्द थोरो वधिक तालीम दी तरफ पहेंजी जका इंटरेस्ट उनन वधाई या रिसर्च कन था सब कुछ कन था तुम पर्सनल तौर पर शागिर्दन के हवाले से क्या ऐसो इन सवाल के जवाब तो वो इन मुख्तसर ब्रेक का नाजरीन मुख्तसर ब्रेक था वो वापस सिलसिले के अगत बधाईदा से शागिर्दन जो किरदार है तालीम के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू क्यों था इन मुख्तसर ब्रेक का वेलकम बैक नाजीन गुफ्तु इस सिलसिले के अगत ब्रेक चढ़ने का पहरों असा सवाल पुछो तो शागिर्दन के किरदार के किए था दिसन समझन था तो शागिर्दन की जो सीरियसनेस जो लेवल है वह पैंकी पढ़ाई के हवाले से असें घट नजर तो अचे या वो ओतरो ही है या वो इन हवाले से असें स्टूडियस में शागिर्दन की दावा दिनी है उनको पुछाऊँ था जी तुम बिन्न मेहमान ने जो सवाल जवाब देना चाहे तो स्टूडेंट्स जी तेतरी सीरियसनेस नजर थी अचे मां यो ही चवंदम त इट्स डिपेंड ऑन सेल्फ इंट्रस्ट जिकने शागिर्द अजकल अस दुनिया में जो सो इंटरनेट अची वही है इन फैसिलिटी है या मोबाइल नेटवर्क अस अची वही है तो उनको सो जो सुठो इस्तेमाल कन था तो इट्स बेनिफिट फॉर ऑल उन फायद सुठे नमूने से सुठी रीत वी सी कौम के लिए हकन की गाल करा अगत वी सन था नॉलेज में इजाफो करा
जो सो बन तीन गाल जिन मेल असा तालीम हासिल किया शूर है असाते यो फर्ज आ तो अस उन मानून के लिए आवाज़ उथारियों जी इन शहरूम पर सवाल वो रही बिन्नी सवाल तो पुछा तो स्टूडेंट्स की सीरियसनेस जो लेवल तीन तो नजर अचे पैरों पर असल में सीरियसनेस तुम्हारो सही तो चो तो घट की वही है उनकी वजह यह है तो उनको एक तो पेरेंट्स जो उनकी मथों नजरसानी कान्ह बो उन को अलावा उनकी जहाँ गवर्नमेंट वरी चवन चो तो उन अगर वर्कशॉप हूँ ना तो उनके एक शूर ही ठीक है मां कॉलेज स्कूल कॉलेज लेवल ते असा पहरों भी ठान जिंदगी में कने वर्कशॉप न थियन पर स्टूडेंट्स डिलीवर किया पढंदा होया कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज में दा कुछ बेहतर होया उन में यो जगह ते हकीकत आ वर्कशॉप जी इंपॉर्टेंस आए पर मां एकरी ओवरऑल थ्रू जे सिंध जी एजुकेशन जी स्टूडेंट्स जवले असा उन जी वजह ही त पहरों इतरी फैसिलिटीज न होंदियो त वरी उन के अलावा जे मल हाने मौजूदा दौर में ये फैसिलिटीज तमाम इलाही घणी अची वेन उन करे उन वट छागिरदन रो शऊर ना है जको हु सही तरह इस्तेमाल कर सकन उन लाए असा जे यूनिवर्सिटी भी कदम खड़न उन चेक एंड बैलेंस अस पेरेंट्स भी रखन तो कंप्यूटर अगर वी दियन ए मोबाइल वी दियन तो कड़े हिसाब से यूज था कन अगर वो बेनिफिशियल आए तो ठीक है अगर ना तो उनके प्रोवाइड न कई वे छो तो अगर वह प्रोवाइड कई वी तो मिसयूज सीधी गाल कड़ी गाल चाहिए तो इन में ट्विटर या फेसबुक जो असो अजकल हले तो इन में या तमाम भली गाल छो तो असा एक बे कनेक्ट था थूँ अगर को स्टूडेंट इंग्लैंड वेठो है या उन जा बे मुल्क में वेठो तो असा उन ख्याल असा मिलन था केतरो परसेंट कयो था चवण जी हते तो बिल्कुल सही है असा जा केतरा एड़ा दोस्त जे इ इंटरेक्शन कन था को लर्न कन था इंटरेक्शन उन जे लाए जो घट था कन या गाल आए तमा अगर चो 20% तो या गाल मुझे ख्याल में हुंदी जो 20% इंटरेक्शन हले तो बाकी बियो जो को मिसयूज तमाम घणो पियो थे इन जे पढ़ाई जे हिसाब सा जा उन एजुकेशन के हिसाब से उन घट यूज पाया कन उन सीधी गाल है जो उन हिसाब से वो शूर ना है या तो उनके वह फैसिलिटीज घनी दिनी थी उन कर सही तरह डिलीवर ना कर सकें। अच्छा मां तां बिन दोस्तों को पूछना चाहिंदुम सिंध की तालीम में जेका कॉपी कल्चर है स्टूडेंट जो वो तां किए था दिसो तो हन जो केतरी हद ताई तालीम तबाह करण में हत है बिल्कुल यह गाल तहां तमाम सुठो इन गाल के कयो जो सो वाकई तालीम में जने कमी आहे या तालीम जे तबाही जो कारण आ बुनियादी यो ही कॉपी कल्चर आ उन में मां यही गाल कयम त ना आयल उस्ताद जेके अपॉइंट थन था जिन पान जिनके पान जो सो एकड़ो इवन दे आर नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश और इन अदर लैंग्वेज उन्होंने के जने लिखण या पढ़ण जे सुठे उन जे बुनियादी उन वट मवाद कोने तो बारन के कड़ी तालीम दिंदा पो वही जो सो वरी उनके इनके अगते वधायन था चीटिंग करन था रूट लेवल को प्राइमरी को वटी सेकेंडरी क्लासेस तक पाण नथा कन मकसद ही वाले टीचर जो तो प्रॉब्लम आहे स्टूडेंट्स पाण वनी ईमानदारी सा वनी पढ़न था पेंजे डिफरेंस को पेरो पेंजे स्टडीज के सीरियस था वठन पेंजे स्टूडेंट के जकने प्रॉपर तरीके सा गाइडलाइन मिलंदी उनन जे जकन क्लासेस हलंदा उनन के एक्टिविटी कराई विंदी जगह ते क्लासेस के जनरल नॉलेज हुंदी तो ओए मानु कुछ अगते वधंदा है गालाईंदा है लिखंदा ना उन जो नॉलेज ही न होंगी तक पेरों को जहन में बिहार तो वे बबा को मसलो ही ना तो क्लास न वो सो चिटिंग मैं चव तो कुछ इन में पेरेंट्स की भी गलतियों कुछ इन में सासी समाजी तंजीमों उन भी गलतियों स्टूडेंट्स की भी गलतियों बहरहाल उन गाल एतो न तो ची सकता छो तो यो डिपेंड करे तो इदारे के मथों इदारो केतो सिंसियर आ सर तुम जी भाऊ पे पेरेंट्स जो इन इदार जो वाकई मसलो है स्टूडेंट जो उन कर नो समझा एतो जो उन हथ छो तो एक स्टूडेंट तो भजन चाहिए घने कदर छो तो नंढो जो इंटर जो बार या मैट्रिक बार वो स्टडीज का थोड़ो किनारा कशी कह उन उनकी चेक एंड बैलेंस उ पेरेंट्स कह टीचर कह जी उन मतों आन इन के अलावा दिठो वे जवाब दूँ था जैसे स्टूडेंट्स ना पढ़न तो उनके लिए जवाब यो पढ़ ना चाहन इन स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन मसलो यो तो उनमें वो शूर ना है असल मेसिक यो मसलो ये जो नंढे लाई शी वही तो उनके अगर तुम बंद कद तो नेट उनमें सीधी गाल वो बार अगत न वो जो दिठो पंजाब में अगर उन शूर है बबा असा कापी ना करनी तो उ कापी न पाया कन ए तालीम सुठी मयार की उन्होंने वह अस सिंध में यो फैक्टर है तो अस पे शुरू कहीं अस यो सिंसियरिटी डिठी वे तो कोने असारे में भी असूडेंट्स में भी कोने चो तो मास्टर लेवल जो अगर वो
बार आए तो उनके पंजे इन जी जका है केड़े भी डिपार्टमेंट जा उनके डेफिनेशन सही तरह नहीं दी है उन जी या खबर भी नहीं सब्जेक्ट केड़ा पढ़े तो अगर तमा डठो ने तो खैरपुर यूनिवर्सिटी या बियो कुछ यूनिवर्सिटी जी के प्राइवेट डिग्री दन तो उनन वट का भी का जानी कोने तो डिग्री केड़ी रा कनी या खबर न हुंदी आ तो उन में मसलो यो आ तो इदारिया मसला है उन में और आल असंजी सोसाइटी भी एकड़ी इन नेज ते पज चुका तो आ इन बारे में सोचे भी कोन थी कॉपी कल्चर में अगर कुछ धुरियों उथन थी कॉपी कल्चर में कुछ स्टूडेंट जी असंजी इंडो सोशल फोरम एकड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ उन इन हवाले में काफी उन सुजान आंदी पर मसलो यो आ तो उन जे एक रुकावट विझण जे लाए इंडो सोशल फोरम के धमकियो है धोस सिर्फ न त ये सियासी पार्टियों पर जो अस कुछ कॉम्परस्त पार्टियों या कुछ अड़ा ग्रुप हुआ जो सियासी या वडेरा उ भी धमकियों धोस पे दियन जो इन गाल न छो छो तो उन खुद बार भी उन्होंने पढ़न पाया अच्छा मैं बी गाली बुधा तो स्टूडेंट्स पैं जो सिलेबस है उनके अलावा असा अजोक स्टूडेंट्स जैमें यूनिवर्सिटी लेवल की गाल तो क्या यूनिवर्सिटी तीन लेवल तक उनमें पैं सिलेबस के अलावा पा पी तौर से कोशिश कर पढ़ने की उनमें तक केतरी नज़र अचे थी तो क्यूरियोसिटी है एतरी या तक लगे तो स्टूडेंट्स हाँ फिलहाल स्टडीज के अलावा भी अच्छे ना पढ़न बिल्कुल जो सो इन में मोर देन 10% मैं अड़ा जो सो शागिर्द डिठा मोस्टली लाइब्रेरीज में स्टडीज कदे जी सिलेबस को हटी कर शौर जे लाए जो सो पांजे नॉलेज इजाफे जे लाए हू बेन सिलेबस या बाहरें जो सो करंट अफेयर्स वगैरह उन सा भी जो सो वाबस्ता आन पांजे इजाफे नॉलेज इजाफे करण जे लाए तो उन में न सिर्फ उन्हें शौर मिल बल्कि उठा जो सो नेशन के लिए या कौम के लिए सुा साबित अगत हली वो सुनो कम कह सिलेबस जो बुनियाद आ सिलेबस एक महदूद सोच रखड़ है अस फारसूदा पुराने निज़ाम सिलेबस मौजूद है इवन पाकिस्तान एकड़ी कंट्री आ एकड़ो ही मुल्क आ पर उन में भी जो इक्वलिटी सूबन में ना है सिंध जो एक तालीम जो सिलेबस ठो पो आ पंजाब जो टेक्स्ट बुक ठे पो बलोचिस्तान जो तो उन्होंने यानी उन चैनी शागिर्दन जय हिकमत मिली उन नजरिया तमाम यानी एक बे का मुख्तलिफ जिनमें यूनिवर्सिटी में गड़ी थियन था उन सिलेबस के मुताबिक जो उन्होंने स्टडी कई तो तमाम उन मुख्तलिफ लगे जो तमाम डिफिकल्ट साबित शायद तहांजी गाल सही आ मां परवेश तां कोई प्रश्न पूछण तो चाहां तो जेका तालीम जे हवाले सां जेकने असां बेहतरी जी कोशिश कयूं कलेक्टिवली जीअं मां हिकड़ी मिसाल कोशिश कयां तो सिन टीवी जेको प्लेटफॉर्म असां कोशिश कयूं था त स्टूडेंट्स जेकॾहिं कलेक्टिवली कोशिश कनि त तव्हांखे छा तव्हांखे नज़र थो अचे त कहिड़ी शइ स्टूडेंट्स सॼी ॻाल्हि थो कयां सॼे सिंध में कॉलेजिस यूनिवर्सिटीज़ आहे त उहो स्टूडेंट्स पंहिंजे तौर ते कनि त तालीम में बहितरी थी सघे थी उन में बेहतरी अची सके थी तुम सही पा चो तो अगर असि मीडिया सिविल सोसाइटी ए असा जी उन में वो हथ जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट उन्होंने में अगर वो शऊर इंद तो उ अगर काफ़ी कुछ कर सकता जी कॉपी कल्चर वो अगर पा कॉपी न कंदा तो उन्होंने को भी नो करे सके अगर वो पा पढ़ा तो उन्हें को नो पढ़ा सके अगर टीचर को नो वे क्लास तो उनके खिलाफ का आवाज़ नी उतारी वे उन कॉलेज में उन स्कूल में या उन यूनिवर्सिटी में पर अगर वे बार सिंसियर हूँ ए स्टूडेंट से सिंसियर हूँ से तो काफ़ी हद तक वो बेहतरी अची सके थी अस इन के हिसाब से कलेक्टिवली अगर कोशिश क्यों तो काफ़ी हद तक अंजी एजुकेशन बेहतर कर सकता स्टूडेंट जो पा एब्सेंटिज्म कब्सेंट थे हवाले से तुम चाहो तो चलो ठीक है टीचर्स ना अचन पो स्टूडेंट्स आवाज़ उठा सकता पर अस भी तो ऐसा दिखो आ नी शॉर्ट अटेंडेंस होंगी मोस्टली वरी आखिरी दिन में वही अटेंडेंस कवर कराने के लिए कोशिश कहता है टीचर के चवंदा कुछ कहता है ये कॉलेज लेवल में तो फॉर्म भर छाइन अटेंडेंस जो असा वो कहता भी ना तो वो जो स्टूडेंट्स पैं रुझान आ कॉलेज यूनिवर्सिटी ना वन या कोचिंग सेंटर में वही पढ़े छींदा या कें कहूँ आखिरी दिन में कुछ सॉल्व पेपर वी कुछ कम कर वादे उनके तुम क्या था ऐसो अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल से छोकरो आए तो उनमें यो हों दिठो वे तो हाँ कराची यूनिवर्सिटी में कुछ अरसों पहले 75% उनकी अटेंडेंस हुई तो हर छोकरो कोशिश कहो तो असा अटेंडेंस 75% को मथे अबो दियं तदन असा फॉर्म मिल इन जो एग्जाम जो पर अगर उनके जिमल या लिनियंसी मिली वही तो वो पाँच हिसाब से वो कोई फ्री आ उनके अलावा उन में वो या तो शऊर ना है या वो उनके सीरियसनेस सीधी गाल वो ना वन उन हिसाब से पर उन में असाजे इन जो इदार जो भी थोड़ा घो डो है वो अगर उन नेहज त रखा तो अस 75% या 80% असड़ी अटेंडेंस खपे तो वो छोक बार जो गुस्सा ही वो भी अची काफ़ी आन स्टूडेंट जी अड़ा ये हरकतू कन था बाकी मेजोरिटी मां फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में अस टीचर के गोलिंदा तो अस अची क्लास वो उसा टीचर जो या तो अचन को या तो लेट पे अचन जो उन्होंने पीरियड ही उनको सब्जेक्ट ही उन टाइमिंग खत्म थी
ठीक मां लास्ट क्वेश्चंस में आया मां पूछना चाहिंदुम त ता जो असो एग्जामिनेशन सिस्टम आ है कॉलेजेस जो खास तौर ते जे सिस्टम ता भी निकता हो तो हन कॉलेजेस जो एग्जामिनेशन सिस्टम जेका है उन में ता केते अत मुतमईन आ ता के लगे तो ही सजो सिस्टम थोड़ो चेंज थन गो जे दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम्स थी एम सी क्यूज के अस घनी इंपॉर्टेंस ता दियो तो वरी प्रैक्टिकलिटी तमाम घनी आ अस वट थोड़ो रटा करे वणो जेको अची तो वने उन्हें से सूरत के ता की धरसो बिल्कुल यो थियण खपे यूनिवर्सिटी लेवल ते जी तालीम तमाम आसान थी चुकी है असो सजे साल जो कोर्स अस उनके बिन हिस्सन में पोर्शन में डिवाइड किया सेमेस्टर वरी उन सेमेस्टर के भी वरी अना हेठ अस डिवाइड किया कुछ अस असाइनमेंट के बुनियाद से कुछ अस मिडटर्म के बुनियाद से कुछ वरी फाइनल टर्म से तो उन में यो न सिर्फ वो शागिर्द सुठो परफॉर्म करे तो पर सुठी जो तालीम सुठो जो नॉलेज भी पे हासिल करे तो कॉलेज लेवल से भी इो ही जो सो निज़ाम आने आने घुर्जे जैमें ये सेमेस्टर वाइज होजे जो सो मिडटर्म वगैरह ए प्रैक्टिकल वगैरह ये एक्टिविटीज होजन वर्कशॉप होजन जैसे कर माना सुठे नॉलेज हासिल कर सके तो ठीक शायद परवेज तुम बुधा तो मां वन ए टू रीजन चाहिए रीजन नंबर वन रीजन नंबर टू तो तक कड़ो वन ए टू रीजन्स रख तो जै सिंध की तालीम के तबाही जन जो नहज तक पहुँचा अगर दिखो वाले तो उन में बिन्न धुरन जो एक कलेक्टिवली डो है वो शागिर्द हो असा टीचर्स हुजन या असा सिविल इदारा हुजन रीजन वन ही थी तो स्टूडेंट्स टीचर्स जो है वो पान एतरो परफॉर्म न कर सकया जे जे करे ही है तबाही ते पहुंची या तालीम रीजन टू तां छा तो समझो रीजन टू उन में यो है ता असा जे जका सिविल सोसाइटी या गवर्नमेंट आ उन जा उए वो बारन के या उन टीचरन के सही तरह एजुकेट ही न कर सकया असा टीचर प्राइमरी टीचर आ उन के या का खबर न होंगी तो उनके नंढड़े बार के किए पढ़ाया वे जो कॉलेज जो यो प्रोफेसर तो उनके वह ट्रेनिंग ही नी कराई वे तो उन मेच्योर छोकरे से छोक से वो कें डीलिंग थे खपे तो उन में यो कलेक्टिवली मसलो इन सभी में है अगर वे सब गजी कोशिश कहता तो तमाम बेहतर तालीम से अच्छी शायद इत्तफाक कर था या तहां वन एंड टू की लिस्ट में बिल्कुल यही सागी गाल मुत्तफक गाल तो जे अस टीचर अपॉइंटमेंट अस क्यों था सुठे से प्रॉपर उनके गाइड ना क्यों उनकी ट्रेनिंग अस ना करूँ जी तुम सिविल सर्विस जी भी ऑफिसर्स एस सी एस एस लेवल से वो जो एग्जाम क्वालिफाई कर भी उन्होंने जो सो ट्रेनिंग कई वी बायदा जी वो सोसाइटी में एफिशियंट ऑफिसर साबित थे तो टीचर जो सो बुनियादी जुजो जो तालीम जो नेशन जो मुख्य अगत आने उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कें भी जो सो इदारा कायम न किया वह ना ही उनके प्रॉपर गाइड दिनी वही है जो पढ़ा वो सो को गवर्नमेंट जो इदारो उनके सुठे नमूने से नो कराए उन्हें जी अपॉइंट कन था उनके बाद में ना कर जी को मूँ पे विलनेस से जैसे वही वो ट्रेनिंग करे तो वह बी गाल पर मोस्टली मैं ये नो तो गवर्नमेंट उनके मन जो फोर्स किया हुए तो भाई तक करण लाजमी है तेज तो मैं ये चवंदम त उन्होंने वट जो ट्रेनिंग ना अज भी उ पुरानो निज़ाम लगो पे बार बहुँ भन उनके जंगू भन उनके मोचड़ा हणन तो बार जे में जहन में खौफ पैदा थे तो वो जहलाप वही पुरानी सोच लगी पी है टीचर की त उनमें नो समझ लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंदम तिन्न दोस्तों को असा स्टूडेंट्स जरा रिवायती तालीमी तरीका उन्होंने भी रहन था रिवायती तौर से डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जाम्पल जो बार असो वो थे तो अस डॉक्टर या इंजीनियर तक लगे तो ये भी कुछ अड़ो पैराडाइम आ जैसे शिफ्ट थे खे तिन्न में जवाब देना चाहिए तुम बुधा पर यो जो है अस हाँ रुझान हली चुको है डॉक्टर इंजीनियर या प्लस में एम बी ए तो मतलब एक अस उन छोकरे के पैं विल से छजू ही को अगर वो सुठो सियासतदान थे तो चाहे या सुठो पायलट थे तो चाहे आर्मी वन चाहे बे कें इदारे वन तो चाहे जरूरी ना तो सुठो टीचर थी सके पर उनके अस उन को हटाए कर विल एक पेरेंट जो है वो पैं विल उत शो कर तो नंढे लेवल का ही सोची तो मुझे बस डॉक्टर ही थियण है भले ही उन एक्सपर्टीज उनमें हुजनस मैथ में हुजनस पर उनके पढ़ाई उनके वो बायोलॉजी पढ़ाई वेंदी वो उन लेवल में हलो वो तो डिप्रेस थी वो उन हिसाब से परफॉर्म सुठो नो करे या तो उन ओवरऑल उनकी लाइफ से भी असर पवन यही चवंदम तो वाकई इन गाल तमाम सुठी है इतने पेरेंट्स की वेल तमाम घनी थी जैमल बार नंढड़ो हों तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो पाँच शेयर की घुर्ज जो सो कुर कह हासिल करने के लिए वो कहन में तस्वर ख्याल इमेज जो सो कायम हों
पर वो जिन थोड़ो वो उन धड़का दिना वा या उन मुसलसिल उनको उन शोक वो तो उनकी जी सेल्फ क्रिएशन आने खत्म थी वी उनकी पाँच ख्वाहिश तमन्ना होंगी वह खत्म थी डिपेंडेंस होंद उनके कदें पेरेंट्स की गाल हलन कदें वो पे सोसाइटी में दोस्तन की गाल हलन कदें मिट माइटन के चाचन मामन की गाल हलन तो जी उनकी सेल्फ क्रिएशन है वो उनके जाहिर न कर सकों उन रुकावटू पैदा थी ठीक है वो इंजीनियर तो थी वो पाँच वाल साहब के चवण से पर वो ओड़ो जो सो साबित न कह उन या उन इंट्रस्ट से उनमें कम न कह जड़े तरीके से उनकी ख्वाहिश मुताबिक करना घुर्ज प्रोग्राम में आयो भी मेहरबानी परवेज प्रोग्राम में आयो स्टूडेंट के हवाले से गुफ्तगू कई नाजीन गुफ्तगू तुम बुधी यकीनन असा बई दोस्त इन गाल एटलीस्ट मुतफिक हुआ तो स्टूडेंट्स जो भी तमाम घो किरदार है तालीम की बेहतरी के लिए स्टूडेंट्स आयो तो इन सजे सिस्टम में पैंजो किरदार दिसण घुर्जे जैसे तुम कॉपी नथा करण चाहो तो जाहिरी गाल कोई भी तक अच्छी फोर्स नो कर सके तो कॉपी कर जैसे तुम पा सीरियस आयो तमाम घना मीन्स मिली सन था तमाम घना जरिया जैसे कर हाँ पैंकी तालीम जो इल्म है उनके तमाम वसी कर सको था तो सिर्फ जरूरत इन गाल तू गो पा थोड़ा जैसे कोशिश कर स्पेस तमाम घड़ो आज पान के प्रूव करण जो इन गुजर होस्ट नवीद नाज़िम के दींदा इजाज़त अल्लाह ने कहान।